नमस्कार, बोल्डस्काय में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। देवोलीना भट्टाचार्य, जो कि भारतीय टेलीविजन की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग गोपी बहू के नाम से जानते हैं। देवोलीना को ख्याति स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले सीरियल साथ निभाना साथिया से मिली थी। सन 2019 में प्रसारित होने वाले पॉपुलर टीवी शो बिग बॉस 13 में इस बार देवोलीना भी दिखाई दे रही हैं। देवोलीना टेलीविजन के एक महंगी अदाकारा के रूप में जानी जाती हैं। देवोलीना भट्टाचार्य का जन्म 22 अगस्त 1990 में शिवसागर आसाम में हुआ था। इनका जन्म बंगाली परिवार में हुआ। इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और अब ये अपनी माँ और भाई के साथ मुंबई में ही रहती हैं। देवोलीना की प्रारंभिक शिक्षा गोदुला ब्राउन मेमोरियल इंग्लिश हाई स्कूल आसाम में हुई। इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली से पूरी की। इन्होंने बीकॉम के साथ ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स भी किया है। ये एक भरतनाट्यम डांसर भी हैं। देवोलीना एक टीवी एक्ट्रेस बनने से पहले गीली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में एक ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में काम किया करती थी। इसके बाद देवोलीना ने कई प्रकार के प्लेस में काम किया। देवोलीना एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर हैं। अपने डांस के शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने डांस इंडिया डांस सीजन 2 में भी हिस्सा लिया, जहां से उनके टेलीविजन करियर की शुरुआत हुई। सन 2011 में एनडीटीवी इमेजिन पर प्रसारित होने वाले सीरियल सवारे सबके सपने प्रीतो से देवोलीना को अपना पहला ब्रेक मिला। इसमें इन्होंने बानी का किरदार निभाया, जिसके तुरंत बाद ही सन 2012 में देवोलीना को स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले फेमस सीरियल साथ निभाना साथिया की लीड एक्ट्रेस गोपी बहू का किरदार निभाने का मौका मिला। इस रोल के लिए उन्होंने पहली एक्ट्रेस को रिप्लेस किया था। खबरों के मुताबिक 2015 में मीडिया में ये खबर थी कि देवोलीना के उनके को स्टार नवलीन कौर के साथ बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं है। दोनों के बीच काफी झगड़े हुआ करते थे। साथ निभाना साथिया के सेट पर देवोलीना का अपने को स्टार विशाल सिंह के साथ भी नाम जोड़ा गया था। कहा जाता था कि देवोलीना का विशाल सिंह के संग अफेयर चल रहा है। इसके अलावा एक वरिष्ठ अभिनेत्री वंदना विटलानी के साथ भी इनके झगड़ों की खबरें मीडिया में फैली हुई थी। दिसंबर 2001 में देवोलीना का नाम मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन राजेश्वर उड़ानी के मर्डर केस से भी जुड़ा था। इस संबंध में देवोलीना का स्टेटमेंट पंत नगर पुलिस थाने में जमा भी किया गया था। बात करें देवोलीना के अवार्ड्स की, तो अब तक सारे अवार्ड्स देवोलीना को स्टार टीवी पर प्रसारित होने वाले सीरियल साथ निभाना साथिया के लिए ही मिले हैं। देवोलीना 2019 में बिग बॉस 13 में दिखाई दे रही हैं। ये टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी बहू हैं और बहुओं के बिग बॉस जीतने के चांस हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं, इसलिए देवोलीना भी इस बार बिग बॉस का खिताब जीत सकती हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में आने के लिए देवोलीना ने 1.5 से 2 करोड़ रुपए की रकम ली है और साथ ही सीरियल्स में काम करने के लिए देवोलीना एक दिन के 1 लाख रुपए चार्ज करती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।